हाय दोस्तों, मैं हूं सरीफुल और आप देख रहे सरीफुल मिर्जा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी चाहते मेरे तरह जो मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसी तरह का अगर आप चाहते कि अपने सब्सक्राइब को लाइव काउंट कर सके, अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर कैसे एनेबल कर सकते, तो ये अगर आप लोग जानना चाहते तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखे, इंटेक देखते रहिए। इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोग स्किप मत कीजिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आप लोग नहीं जान पाएंगे, बाद में आप बोलेंगे कि ये एप्लीकेशन जो था वो झूठा था। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी क्रिएटर हो, उनको बहुत ही इच्छुक होता है कि हम अपने जो सब्सक्राइब है देखने के लिए कि आज कितना बड़ा कितना घाटा, वो देखने के लिए इच्छुक बहुत सब क्रिएटर होते हैं। और ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या हम अपने यूट्यूब के जो एप्लीकेशन है उस पर हम जाते हैं, या हम जाते हैं YT स्टूडियो पर जाकर हम देख सकते। पर अगर आप लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब काउंट लाइव स्ट्रीम को अगर एनेबल करेंगे तो ये आप मोबाइल ऑन करते ही आप अपने होम स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो जानने के लिए मेरे इस वीडियो पर बनी रहिए, इंटेक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करती है। आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सब्सक्राइब लाइफ काउंट अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। तो आपको मैं पूरा किस तरह से करना चाहिए तो पूरा आपको मैं दिखा दूंगा, तो आप लोग देखते रहिए। और इस जो एप्लीकेशन का लिंक है, उस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पर भी से जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम दिखाते हैं ये पूरा जो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो आपको हम पूरा दिखाते हैं। को इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले चले जाइए आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर, और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप वहां पर टाइप कीजिए सब्सक्राइब लाइव काउंट या रियल टाइम्स सब्सक्राइबर काउंट। ये टाइप करके इसे आप सर्च कीजिए, तो सर्च करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा और इस पर जो आप सेकंड नंबर पर ऑप्शन है इसे आपको इंस्टॉल करना है। तो इस दो नंबर ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके रखा है, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, उस परमिशन को आप अलाउ कर दीजिए। तो अलाउ करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। तो ओपन करने के लिए हम यहाँ से बैक चले जाएंगे, तो हम बैक चले जाते हैं, तो जाकर डायरेक्टली हम उस एप्लीकेशन से ही इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का आइकॉन मिलेगा, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद हमारा एक इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो इस पर हम जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर जाकर हम अपना चैनल का नाम लिख कर हम सर्च करेंगे। तो मैं अपना चैनल का नाम लिख लेता हूं, आप लोगों का चैनल का नाम लिखकर सर्च कीजिए। तो सर्च करने के बाद इस तरह का आपको मिलेगा, जितने भी इस नाम का जो चैनल है पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो आपका जो चैनल है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और इसे सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए जो ऊपर आप देख सकते हैं स्टार मार्क है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आप मिनिमाइज हो जाइए। तो होने के बाद आप अपने होम स्क्रीन पर आइए। आने के बाद इस साइड पर आप थोड़ा सा प्रेस करके रखिए। रखने के बाद आप जो नीचे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन आए हुए, तो इस पर जो बीच वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो इसे आप नीचे स्क्रॉल करके आइए। करके आप उसे ढूंढिए कि जो अपने सब्सक्राइब काउंट वाला जो आप फोल्डर कहाँ पर है, तो ये रहा वो फोल्डर। तो इस पर हम थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, तो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। करने के बाद इस पर हम थोड़ा सा क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से देखने पर अच्छा नहीं लगता, तो इसको थोड़ा प्रेस करके रखिए। रखने के बाद ये हो गया, इसको थोड़ा सा आप लंबा कर दीजिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो
पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।